everyone. Very good morning to all my champions. Very good morning, guys. Very good morning. Very happy good morning to all of you. आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है Wi-Fi Study Studio Channel पर, which is a part of Khan Academy. And हम आप लोगों के साथ सुबह के एक बेहतरीन और बेहद important session में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. So very very good morning to all my champions. Very good morning, guys. Very happy good morning to all of you. चलिए आ जाइए जरा session को एक बार फिर से join करते हैं. अब बढ़िया तरीके से आज ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज का सेशन होने वाला है काफी इम्पोर्टेंट, काफी मजेदार और काफी बढ़िया. तो एक बार सभी लोग आज देखेंगे कि आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, है ना. आज का मतलब है व्हाट टू स्टडी इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर. तो मतलब भाई हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या आज, है ना. तो जल्दी से एक बार हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में और बढ़िया तरीके से. देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं जल्दी जल्दी से, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि हाँ आप लोगों के पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जिससे आप अपने डिस्काउंट्स को और गेन कर सकते हो, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ यार हमें अभी कितनी और मेहनत करने की जरूरत है. देखो ये है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट. ये होता है पूरे इंडिया के लेवल पर, ठीक है, पूरे पैन इंडिया पर होता है ये टेस्ट. अब इस टेस्ट में लाखों करोड़ों बच्चे टेस्ट भी देते हैं. आप लोगों का जो एग्जाम होता है, अगर हम आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, तो ये एग्जाम्स भी तो आपके रियल होते हैं ना. ये आप लोगों के करोड़ों स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के बीच में आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट. तो जब आप ये टेस्ट दोगे तो ये टेस्ट कब होता है? ये टेस्ट होता है एवरी संडे ठीक दोपहर में 12 बजे, 12 PM पर, राइट. जब ये टेस्ट आपका एवरी संडे होता है तो इस टेस्ट में आपकी निकल के आती है रैंक, है ना भाई. कोई तो पोजीशन आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड या नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा. तो उससे आप लोगों को मिलेगा सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पर डिस्काउंट. मतलब अब आपको गौरी टन कोड के अलावा इससे भी डिस्काउंट गेन कर सकते हो, इससे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है. देखो अगर आपकी रैंक जो है वो फर्स्ट से थर्ड नंबर के बीच में आती है तो आपको स्कॉलरशिप पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. 4 से 10 के बीच में आती है तो 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा. अगर आपकी रैंक 11 से 50 के बीच में आती है तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा. अब यार इधर मत चले जाना, 51 से 500 के बीच में 25% का रिलैक्सेशन है. तो इस टेस्ट में इनरोल भी आप लोगों को करना पड़ेगा. अब इनरोल करने के लिए आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, टेस्ट पर जाइए, इनरोल करिए. इनरोल पर जाकर के गौरी टन कोड को यूज कर लीजिएगा. जैसे ही आप गौरी टन कोड को यूज करेंगे आप टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे और 1 करोड़ तक के प्राइज मनी को आप जीत सकते हो. पता है बड़ा अमाउंट होता है ये, नहीं. चलिए आ जाइए देखते हैं आगे. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई चैंपियंस. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय राठौर, गुड मॉर्निंग अलू अजय, गुड मॉर्निंग रोशन, उमेश, दीपक, राखी, सविता, समीक्षा, संस्कारी, ओके, मीनू, अंजलि वर्मा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, मीनाल, सुरेश, एवरीवन, कौशिकी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गाइज इस टीम का बैच आप लोगों को मिल सकता है. अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इस सफलता बैच को नहीं लिया है, ठीक है, ये सफलता बैच आप लोगों को मेरी अनअकैडमी आईडी पर मिल जाएगा. आप जाकर के वहां पे गौरी टन कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन अपना ले सकते हैं, ठीक है. आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग जाइए और वहां पर जाकर के इस समय सारे कोर्सेस पर, एवरी कोर्सेस पर, सभी कोर्सेस पर आप लोगों को 2 ईयर्स का सीधा सीधा क्या मिल रहा है, 2 ईयर्स पे 4 मंथ्स फ्री कॉस्ट दिए जा रहे हैं. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर को बिल्कुल भी ठुकराइएगा नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इस ऑफर को ले लीजिए. और ऑफर को लेने के लिए अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई भी कोर्स चाहिए, आप सीधा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके गौरी टन कोड को यूज करके 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को अपने नाम करिए. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का सेशन हमारा क्या कहता है. देखो भैया तुम लोगों की हालत हो चुकी है बिल्कुल ऐसी, इन भाई साहब की तरह से, है ना, पढ़ पढ़ के तुम्हारा हो चुका है दिमाग खराब, ठीक तुम लोगों का. वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सेशन को शेयर क्यों नहीं करते यार? सेशन को तो शेयर करना बनता है ना, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो. मिनी नायक गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग, आई एम गुड मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग, आप कैसे हो. सिमरनजीत कौर गुड मॉर्निंग, पूजा, आराध्या, सुरेश, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है. गुड मॉर्निंग गाइस. चलो देखो क्या स्थिति हो चुकी है तुम लोगों की. सबसे पहले थॉट ऑफ द डे से शुरुआत होगी दिन की, फ्रेज ऑफ द डे, देन वर्ड ऑफ द डे, वन विच सब्स्टिट्यूशंस, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी,
द हिंदू एडिटोरियल न्यूज क्विज, द हिंदू न्यूज क्वेश्चंस एंड टोन ऑफ द पैसेज एंड इडियम फ्रेज। आज हमने इस सेशन में एक नई चीज और ऐड करी है, वो ऐड किया है हमने आरसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आरसी से रिलेटेड मतलब जो पैरा हम आप लोगों से डेली डिस्कस करते हैं ना, इस पैरा से रिलेटेड आपसे हम दो क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब अगर कभी भी एग्जाम में इस तरीके के कोई भी पैरा आ जाते हैं तो आपके जो मार्क्स है ना वो श्योर हो जाए। तो आज से आपको कुछ और भी नया मिलेगा, एंड ऑफ तक सेशन को देखिएगा ध्यान से। लेकिन सेशन की लिंक को शुरुआत में ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे सेशन की तरफ और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रूट से गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली अनसक्सेस रास्ते आएंगे ही आएंगे, है ना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए तो एक दो बार अगर आपने फॉल्स देख लिया, अगर फॉल्स स्टेप्स उठा लिए, कोई इशू नहीं है। हमेशा याद रखो जब आपको असफलता मिलती है तो हमें उससे ये सीखना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या ऐसी कमी करी जिसकी वजह से हमें असफलता मिली, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार हम फेल हो गए ना, बिल्कुल नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये फेल हुए क्यों है, रीजन क्या है इस फेल होने का, है ना। कि रीजन क्या है, हम इस रीजन से फेल हो गए। कई बार होता है ना हम इस रीजन से फेल हो गए, वो रीजन आपको फाइंड आउट करना है और उस रीजन पे वर्क करना है। जब आप उस रीजन पे वर्क कर लोगे ऑटोमेटिक आप सक्सेस के पास पहुंच जाओगे, क्लियर। चलिए आज के फर्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में से एक है। तो आइए जरा इसको जरा पढ़ते हैं। आज के वैसे दोनों ही एडिटोरियल अच्छे हैं, दोनों ही आर्टिकल्स अच्छे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग स्मार्ट अविनाश, विशाल कंचन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्मार्ट अविनाश, गुड मॉर्निंग कंचन मैम, एवरीवन। चलिए कैलिब्रेटेड क्लोजर्स का यहाँ पर क्या मतलब है इसको बहुत ध्यान से समझने वाला है ये टॉपिक, नहीं तो ना फिर ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है जब आप बहुत अच्छे से नहीं समझते। देखो कैलिब्रेट का मतलब होता है समझना और क्लोजर का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है समझते रहना या समझना किसी भी चीज को, और क्लोजर का मतलब होता है शट डाउन कर देना, दैट मींस बंद कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे इंडिया के लॉकडाउन के बारे में, ठीक है, इंडिया के लॉकडाउन के बारे में। लेकिन अब इंडिया के लॉकडाउन के बारे में यहाँ पर क्या बात हो रही है इसको हम देखते हैं। आप सब लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद, है ना, वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे स्टेट्स के ऊपर बात डाल दी और कहा कि तुम लोग अपने स्टेट्स में लॉकडाउन लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो तो। तो स्टेट ने क्या किया, स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए लॉकडाउन लगा दिया, है ना। स्टेट ने क्या किया, स्टार्टिंग के एक हफ्ते के लिए क्या कर दिया उन्होंने, सीधे सीधे लॉकडाउन लगा दिया। हम लोगों को लगा कि एक हफ्ते का लॉकडाउन है, उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, वो लॉकडाउन काफी स्टेट्स में लगातार एक्सटेंड होता रहा, लगातार बढ़ता रहा, है ना। तो अब ये जो लगातार आप बढ़ा रहे हो तो इसकी कोई शॉर्ट रोड नहीं है, विद नो शॉर्ट रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस। यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो आप ये जो लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हो, ये वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैसे कोई शॉर्ट रोड नहीं है। आप जो कर रहे हो वो क्यों, आप लॉकडाउन लगा रहे हो, ठीक है, लॉकडाउन लगाने से कोविड नहीं भाग जाएगा, है ना। लॉकडाउन लगाने से तो कोविड नहीं भाग जाएगा कि भैया एक काम करते हैं सब लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, डे बाय डे हम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा यूपी के साथ साथ कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है ना, कई ऐसे स्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है हम लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं कोविड चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें और फर्दर हम क्या करें, ये तो सेकेंड वेव है कोविड की, ये तो सेकेंड वेव है कोविड की। अगर थर्ड वेव आ जाती है ना, या फिर अभी जैसे हमने देखा ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, इनसे लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इस पर पूरा डीप डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से 3 नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसका पूरा डीप एनालाइज करेंगे हम इसी में। तो इसके लिए एंड तक सेशन में बनी रहेगा और लास्ट आज आपको इससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए रूल्स एंड रूलर्स व्हाट इज द राइट मीनिंग। देखो आप सब लोगों को पता है कि कई लोग ऐसा होता है घर में, क्या होता है कि घर में हम लोग घर वालों से कहते हैं, घर वाले जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी ऐसा करते थे, है ना, मतलब हम तो करते ही थे, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाते समय क्या करते हैं, अपने घर में मम्मी ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो मोबाइल में, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। कई बार होता था कि नहीं होता था, अब क्या हो गया है
कि जितना भी ये इंस्टाग्राम है ना, जितनी भी फेसबुक है, जितनी भी ट्विटर है, इन सब की हो गई है गवर्नमेंट से एंटी पोची, दैट मींस लड़ाई। आप लोग सब लोग जानते हो कि हमने कुछ समय पहले फेसबुक का पढ़ा था, है ना, कि गवर्नमेंट ने सीधे सीधे मतलब कि सीधे सीधे ये बात रखी गई थी कि अगर फेसबुक पे किसी ने भी फेक कमेंट किए या फेसबुक पे किसी ने फेक पोस्ट डाले तो उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई करी जाएगी। मतलब फेसबुक से इनकी लड़ाई हो गई। उसके बाद हमने कल ही पढ़ा कि ट्विटर से भी इनका हो चुका है। ट्विटर से क्यों हो चुका है? क्योंकि बीजेपी वालों ने कांग्रेस के बारे में गलत टूल किट यहाँ पर डाल दी थी, तो गलत था ना, है ना, टूल किट उन्होंने गलत चीजें बता दी थी, तो उस वजह से उनका ट्विटर से भी हो गया लड़ाई। अब बचे थे इंस्टाग्राम वगैरह, तो इंस्टाग्राम से भी हो गई है इनकी लड़ाई। तो द गवर्नमेंट मस्ट हेयर आउट द सोशल मीडिया इंडस्ट्री एंड शेड इट आर्बिट्रेरी रूल मेकिंग। यहाँ पर ओवरऑल उसी सोशल मीडिया प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है जो नए रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी। आप लोगों को मैंने अभी बताया ना, फेब में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था फेसबुक के बारे में, आई होप आप लोगों को याद होगा, जब कोविड को लेकर के लोगों ने बहुत सारे फेक कमेंट्स डाले थे, कमेंट्स फेक फेक पोस्ट डाल रहे थे, ऐसा कर लो तो कोविड चला जाएगा, वैसा कर लो तो कोविड चला जाएगा, इतनी डेथ्स हो गई, इतने सही हो गए, तो मतलब एक फेक न्यूज आ रही थी। तो फरवरी में सोशल मीडिया को लेकर के कुछ रूल्स और कुछ नॉर्म्स रिलीज किए गए थे, फिर से बनाए गए थे, तो उसी के संबंध में लेकर के आगे भी बात हुई कि अब यहाँ पर इनका क्या संबंध खराब हो चुका है इंस्टाग्राम से भी हो चुका है, कि अगर इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने भी इस तरीके की फेक न्यूज को, फेक सेक्शंस को डाला। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि इंस्टाग्राम ने कंगना रनावत का इंस्टाग्राम ने बताया था कि ट्विटर ने कंगना रनावत के अकाउंट को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। याद है कि नहीं याद है? तो सेम सिचुएशन है भैया, लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना, ये यहाँ पर एक सलाह सी दी जा रही है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मजा आएगा पढ़ करके, एक बार पढ़ जरूर लेना। लेकिन हमारा जो डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल रहेगा वो फर्स्ट वाला रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सीधे बढ़ते हैं फ्रेज ऑफ द डे की तरफ और देखते हैं कि आज की हमारी फ्रेज ऑफ द डे क्या हुई है। देयर इज नो डिनाइंग, देयर इज नो डिनाइंग, व्हाट इज द मीनिंग? दैट मींस यूज्ड टू से दैट समथिंग इज अनडाउटेडली ट्रू, ये कहना कि कुछ चीजें एग्जैक्ट ट्रू है, सच है ना, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, जो श्योर है कि हाँ ये होगा ही होगा, क्लियर है ना, जो फैक्ट है कि ये होगा ही होगा, श्योर है, देयर इज नो डिनाइंग, मतलब यहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं है। यूज टू से दैट समथिंग इज अनडाउटेडली ट्रू, ठीक है। चलिए, एक मार्क्स सिक्योर हो गया। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे स्टॉन्च, ये एक एक्सेप्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है स्टेडफास्ट, फर्म, रिसोल्यूट, committed, faithful, loyal, dependable, reliable, that means we can say this is a positive word. One mark आपका यहाँ पर भी secure हो गया, right? हम अब तक कितने marks पढ़ चुके हैं? 2 marks पढ़ चुके हैं। भूलना नहीं, RC की जरूर ये question आता है, 110% आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा question of the day क्या कहता है। हर एक question को solve करने के लिए आपको सिर्फ 30 seconds का time दिया जाएगा, फटाफट सिर्फ 30 seconds के अंदर question को solve करिए, come on। हाँ आकाश बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मतलब हम इतनी तरह से आप लोगों का सेशन, एक भी दिन एडिटोरियल मिस नहीं होता, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ आपत्ति आ जाएगी, मतलब मैम ही निकलनी है या मैम ही बीमार है तो बात अलग है, अदरवाइज एडिटोरियल कभी भी आपका मिस नहीं होता। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सेशन की लिंक को जरूर से शेयर करा करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देखो टाइम हो चुका है तुम लोगों का, आप आ जाओ जरा सीधे देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या है बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक्स एंड गिव होल सम मोरल लेसन। कोई भी एक स्टोरी जहाँ पर विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक्स पूरे ऑल ओवर स्टोरीज के बारे में जिसको बताया जाए, है ना। देखो द करेक्ट आंसर इज फेबल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेजेंड वर्ड आपका राइट आंसर नहीं होगा। लेजेंड का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ अ सेंस लाइफ, द स्टोरी ऑफ सेंस लाइफ, जैसे किसी भी बड़े फेमस पर्सन के बारे में स्टोरी को लिखना। पैराबल इज नॉट द राइट आंसर, दैट मीन्स अ सिंपल स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ मोरल स्पिरिचुअल लेसन। एक सिंपल स्टोरी जो हम लोग यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी के लेसन को बताने के लिए, ठीक है। अ सिंपल स्टोरी, a simple story used to say spiritual
लेसन, ठीक है, नोट हो गया. एलेगोरी इज नॉट द राइट आंसर, दैट मीन्स अ स्टोरी, अ पोयम, कोई भी एक स्टोरी छोटी सी, या फिर कोई भी एक पोयम, या फिर कोई भी एक पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड और दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, जो रिवील करे हिडन मीनिंग को, ठीक है. दैट कैन बी स्टोरी कैन बी रिवील्ड अ हिडन मीनिंग, जो छुपे हुए स्टोरी को, छुपी हुई चीजों को बताने का काम करती है. कई बार होता है ना, हम जैसे कोई स्टोरी पढ़ने हमें मीनिंग नहीं समझ में आता है कि यार क्या चल रहा है, तो उसके जो हिडन मीनिंग्स को बताना, उसके छुपी हुई मीनिंग्स को बताने का कार्य करना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. 42 की वॉचिंग चल रही है लेकिन लाइक सिर्फ 30 है. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करिए और प्लीज सेशन को शेयर करके जल्दी से सेशन को 200 प्लस बनाइए. इस फैमिली में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पीक पर चल रहे थे, बट आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, तो दैट इज वेरी बैड. गुड मॉर्निंग हिना प्रियंका मैम, गुड मॉर्निंग. चलिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होता है. देखो, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, एथिस्ट है ना. क्यों? क्योंकि याद रखिएगा थी वर्ड, EIST और थियो, ये जितने भी वर्ड्स कभी भी आएंगे ये गॉड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये भगवान को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा करते हैं, है ना. वन हु बिलीव इन गॉड, है ना, यस और नो? हाँ बिल्कुल. अच्छा, आप लोगों ने रहस्यवादी लोग सुने हैं, जो रहस्यवादी चीजों पर भरोसा करते हैं, जैसे आप कह सकते हो हु बिलीव्स, जो भरोसा करते हैं, हु बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल, इन द स्पिरिचुअल थिंग्स, इन द स्पिरिचुअल अपीयरेंस, या फिर एप्रीहेंशंस भी आप कह सकते हो, एप्रीहेंशंस पर भरोसा करना, जो ऑफ ट्रुथ, जो सच्चाई पर भरोसा करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटीज पर भरोसा करते हैं. ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आपका राइट आंसर नहीं है. दैट मींस अ पर्सन हु बिलीव्स इन दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्टेड, जैसे अनसेल्फिश रीजन, कोई भी ऐसा इंसान जो अनसेल्फिश रीजन के साथ किसी पर भरोसा करता हो, ठीक है. वेरी गुड नरेंद्र, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. चलिए, टू फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, जिसको फ्री कर दिया जाए उसके सभी ब्लेम्स के साथ में. नंबर्स देख रहे हो, एक एक नंबर का क्वेश्चन है और CGL में तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको 2 मार्क्स लेकर के चलेंगे. 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये आपके एग्जाम में. टू फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, लेट मी नो द राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कम ऑन गाइस, डू इट. देखो, काफी बच्चों ने यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, टाइम आप हो चुका है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. कंसोलिडेट इज नॉट द राइट आंसर, दैट मींस मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रांग, किसी भी चीज को फिजिकली स्ट्रांग बनाना, मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है, किसी भी चीज को फिजिकली स्ट्रांग बनाना. फिलिंग इज नॉट द राइट आंसर, दैट मींस फोर्सफुल, किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली. फॉरबिड का मतलब होता है रिफ्यूज टू अलाउ, या फिर आप कह सकते हो किसी भी चीज को मना करना, रिफ्यूज टू अलाउ, हम तुम्हारी इस बात से ओके नहीं, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि ये काम नहीं करोगे तुम, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. दैट विच कैन नॉट बी एफिसिट, चलिए बताइए. प्रियंका मैम बहुत बढ़िया, राखी बहुत बढ़िया, मिनी नायक गलत आंसर, कोई बात नहीं, बट नोट कर लीजिएगा, ठीक है. आकाश कोई बात नहीं, इट्स ओके. आकाश गर्ग, दैट्स कूल. अंकित वेरी बढ़िया, वेरी गुड. चलिए, दैट विच कैन नॉट बी एफिसिट, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो बैंग ऑन. बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों ने राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, काफी बच्चों ने दिया हुआ है. जरा आइए, जरा पहले इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि क्या है. दैट मीन्स इरेज फ्रॉम सरफेस, क्लियर है ना. मेक वन सेल्फ अपी, आप कह सकते हो कोई भी चीज इरेज करना, कोई भी चीज हटा देना, मिटा देना,
है ना, मिटा देना उसको, हटाई देना, खत्म ही कर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। देखो सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर वन आपका रॉन्ग आंसर है, दैट मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू रीड कि पढ़ने में ना आ पाना किसी भी चीज का। इनविंसिबल का मतलब होता है टू पावरफुल, बहुत ज्यादा कोई भी चीज पावरफुल है, टू बी डिफीटेड, जिसको हरा पाना बिल्कुल मुश्किल है, जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, जो बहुत ही अच्छे नेचर का है, गुड नेचर का है। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? चलिए आगे बढ़े। तो हमने 2 मार्क्स फ्रेज ऑफ द डे वर्ड ऑफ दिस डे से लिया एंड 4 मार्क्स के हमने यहाँ पर क्वेश्चंस की, टोटल हम अभी तक 6 मार्क्स को पढ़ चुके हैं। आज आप देखोगे ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आप लोगों को गिनाएंगे। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं वोकैबुलरी पर। पहली वोकैबुलरी है आपके पास कैलिब्रेटेड, दैट मीन्स केयरफुली असिस्टेड, जिसे आप कह सकते हो समझते हुए, जांच करना, चेकिंग करना, है ना, किसी भी चीज को केयरफुली तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डीपली एनालाइज करना, है ना, एनालाइज भी आप कह सकते हो, किसी भी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो, लगातार ध्यान से देख रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जांच करना या फिर समझना, समझते हुए किसी भी चीज को करना। ठीक है, अब देखो सेक्शन, दैट मीन सेशन का मतलब होता है द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग वॉच एंड एंड, समापन, एंड किसी भी चीज को खत्म करना, एंड कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को एंड कर देना, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर मैं एकेडमी पर भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या आया हुआ है, व्यू, दैट मीन्स अनसर्टन, जो चीजें अनश्योर है, जो अनसर्टन है, इनडेफिनेट है, जहां पर आपकी कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है, जो चीजें अनक्लियर है, जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट भी है, आप कह सकते हो अनइम्पॉर्टेंट, है ना, जो चीजें जरूरी नहीं है और अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनक्लियर कैरेक्टर ऑफ मीनिंग, दैट मीन्स अस्पष्ट, श्योरिटी ना होना किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, माइस्मा, दैट मीन्स अनप्लेजेंट और अनहेल्दी स्मेल, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो, बहुत सारा कंफ्यूजन भी, आप कंफ्यूजन के बेस पर भी इस वर्ड को यूज कर सकते हो। इसका एक मीनिंग और जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं बैड कंफ्यूजन। ठीक है, एक कंफ्यूजन पे भी हम इसको लिख सकते हैं, बाकी ये अनप्लेजेंट और अनहेल्दी तो दिखाता ही है कि कोई भी चीज जो अनहेल्दी है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, दूषित है, खराब है, दैट इज टोटली अ नेगेटिव वर्ड, दैट इज टोटली अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, प्रीवेट, प्रीवेट का मतलब होता है प्रेजेंट और अपेरेंट थ्रू आउट, सामने रहना, है ना, सामने रहना, फ्रंट पर रहना किसी भी चीज के, अपेरेंट मतलब होता है फ्रंट पे रहना, सामने से दिखना किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, लाइकिंग फॉर समथिंग, आप में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, आप किसी भी चीज को देखना चाहते हैं कि वो चीज कैसी है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़े। शनिंग, शनिंग का मतलब होता है अवॉइड, इग्नोर और रिजेक्ट, जिस चीज को आप कह सकते हो अपने से दूर रखना, एंटीपैथी करना। हमने बोला ना जैसे सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है, एंटीपैथी हो रहा है, एंटीपोची हो रहा है, एंटीपोची और एंटीपैथी एक ही तरीके के मीनिंग रखते हैं। तो जैसे हमने भी आपको स्टार्टिंग में बताया, सेकेंड वाले एडिटोरियल में, सेकेंड आर्टिकल में, कि गवर्नमेंट के बीच में और जितने भी सोशल मीडिया है इनके बीच में क्या चल रहा है, एंटीपोची चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने से दूर रख रहे हैं। ठीक है, पर्सुएसिव, दैट मींस गुड एट कन्विंसिंग समवन टू बिलीव समथिंग थ्रू रीजनिंग, किसी भी चीज को गुड एट कन्विंसिंग, किसी भी चीज को कन्विंस करना, किसी भी इंसान को अपने पेस के लिए कन्विंस करना, टू बिलीव समथिंग, किसी भी चीज पर भरोसा वो करे, रीजनिंग, रीजनिंग के बतौर पर प्रकट करना। ठीक है, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है नॉट रीजनेबल, जो सही नहीं है, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, सही नहीं है, नॉट रीजनेबल, जो उचित नहीं है, आप कह सकते हो जो उचित नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नौशीन, गुड मॉर्निंग, ओके कूल, चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने,
आगे बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है विटल इम्पोर्टेंस, क्रूशियल, जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, फिक्स है, जरूरी है, विटल इम्पोर्टेंस, ठीक है। सर्ज, सर्जेस का मतलब होता है बढ़ाना, दैट मीन्स टू इंक्रीज समथिंग, किसी भी चीज को इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज समथिंग, किसी भी चीज को आपने लगातार क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। सडन लार्ज इंक्रीजमेंट करना, टेम्परेरी, समय के, थोड़े समय के लिए इंक्रीजमेंट कर देना, बढ़त कर देना, मतलब बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, inexplicably, that means in a way that can be explained or accounted for. आप कह सकते हो कोई भी एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को डिटेल में बताओ, डिटेल में उसको वर्णन करो, डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेनेशन दो उस चीज के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज का डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हर वर्ड्स की मीनिंग का। अक्षिता मैम गुड मॉर्निंग। चलो, induced, induced का मतलब होता है bring about or give rise to, किसी भी चीज को to encourage somebody, आप कह सकते हो to encourage somebody, किसी भी इंसान को लगातार क्या करना, encouragement देना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना कि हाँ तुम कर सकते हो, आपके अंदर वो प्रोत्साहित करने की भावना, आपके अंदर वो प्रेरित करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई एवरीवन? यस और नो एवरीबडी? ठीक है ना। Affluent, that means affluent का मतलब होता है having great deal of money, जो बहुत ही ज्यादा healthy और बहुत ही ज्यादा healthy हो या फिर wealthy इंसान, ठीक है, wealthy भी आप कह सकते हो, clear है ना, point समझ में आया। wealthy मतलब होता है धनी, बहुत ज्यादा rich, और that's a positive word। Next word देखिए, next word आपके पास क्या है, believe in or follow the practices of, किसी भी चीज को पालन करना, आप कह सकते हो किसी भी चीज को obey करना, मानना, है ना, मानना, आपने किसी भी चीज को फॉलो कर लिया, फॉलो भी आप कह सकते हो, पालन करना, दैट मींस फॉलो करना किसी भी चीज को, क्लियर है, यस और नो गाइस? ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अच्छा ओके, ये दोनों वर्ड्स हमारे रिपीट हैं तो हम इन दोनों को नहीं पढ़ रहे, आगे स्किप करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, थोड़ा, थोड़ा वर्ड जो है ना वो हमेशा एक्सट्रीमनेस को दिखाता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो थोड़ा वर्ड है ये हमेशा एक्सट्रीम सेक्शंस को दिखाने का काम करता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ी हुई है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट है, बढ़ा हुआ अमाउंट है, एक्सेसिव अमाउंट है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, अधिक चीज होना, अधिक होना, एक्सट्रीम होना, ठीक है। हाँ सविता मैम बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, कम ऑन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है नॉट रिलैक्स्ड, नॉट कंफर्टेबल, वी कैन से अनकंफर्ट जोन, वी कैन से अनकंफर्ट जोन, कोई भी एक ऐसा आपका जोन जो अनकंफर्ट आपको फील कराता है, या फिर आप कह सकते हो खासतौर से टेंस सिचुएशंस होना, टेंस सिचुएशन का मतलब होता है जब आपको टेंस होती सिचुएशन होता, जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है, टेंस सिचुएशन होना, जहां पर आप अनइजीनेस फील करो, अनइजीनेस फील करो आप, है ना। स्टोन वॉलिंग, दैट मीन्स डिले, ऑब्स्ट्रक्ट अ रिक्वेस्ट प्रोसेस ऑफ पर्सन बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस, और बाय आप किसी भी इंसान को ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना उसकी रिक्वेस्ट, उसके प्रोसेस, उसके पर्सन को रिफ्यूजिंग करना कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, हम तुम्हें आंसर नहीं दे रहे, किसी भी पर्सन को उसका सेटिस्फाई आंसर नहीं देना, रुकावट डालना, उसमें रोक डालना, दैट्स अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, और स्ट्रेंड वर्ड भी आपका नेगेटिव ही था, ठीक है। इंडिजीनस, इंडिजीनस वर्ड हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, जो जीनस वर्ड होता है ये हमेशा एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, और आप ये कह सकते हो ये वर्ड हमने कोविड के टाइम पे बहुत पढ़ा था, है ना, इमिग्रेंट पीपल, इंडिजीनस पीपल, स्वदेशी इंसान जो अपने देश का है, नेचुरली इन फैक्ट पर्टिकुलर प्लेसेस, और नेटिव, नेटिव का भी मतलब होता है स्वदेशी, नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। चलिए हाँ, कैपिटल इनकम देन इंडिया, बांग्लादेश हैव हाई पर कैपिटा इनकम देन इंडिया, हाँ सविता दैट्स अ न्यूज, ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है, इस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। शंख, शंख का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा जिसे आप कह सकते हो, एक छोटा सा किसी भी चीज का हिस्सा, ठीक है, सॉलिड पीस ऑफ समथिंग, टुकड़ा, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
रीस्टोर्ड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन, जैसे आप कह सकते हो रिकनसाइल्ड। रीवर्ड जब भी आता है ना, याद रखिएगा, ये एक तो या तो पॉजिटिविटी का साइन देता है, या तो ये फिर से दोबारा से किसी चीज को करने का देता है। रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन, या किसी भी दो चीजों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन मेंड अप करना, फिर से बनाना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अपसर्ट, दैट मीन्स वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट, जो सही नहीं, जो गलत है, एक तरीके से बेतुका, मतलब पूरी तरीके से रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने टाइम की वोकैबुलरी पढ़ी, हमने 21 मार्क्स की वोकैबुलरी पढ़ी। आई नो अब आप कहोगे मैम 21 मार्क्स आते आएंगे नहीं वोकैबुलरी में, आई नो, लेकिन डेली हम 21 मार्क्स पढ़ते तो है ना, एक वोकैबुलरी एक मार्क्स की आती है ना। तो अगर मैं कहूँ कि आपके 21 में से 3 वर्ड भी आ गए, तो 3 मार्क्स की तो हमने वोकैबुलरी पढ़ ही ली ना गाइज, हाँ या ना। अगर हमने आपको वैसे तो पढ़ाया है 21 वर्ड्स, लेकिन अगर हम कहते हैं 21 वर्ड्स तो एग्जाम में आएंगे नहीं, मान लीजिए 3 शब्द तो आएंगे, 3 मार्क्स तो हमने पढ़े, 6 हम पहले पढ़ चुके थे, 3 अभी हमने पढ़े, टोटल हमने 9 मार्क्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। यस और नो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कितने मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। नेक्स्ट देखिए, पिकेट, दैट मीन्स टेरिटरी, पिकेट दैट मीन्स अ डिस्पेक्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस, मुखौटा, बाहरी दिखावा, फेस अपीयरेंस करना, ठीक। डेरोगेटरी, अपमानजनक, क्रिटिकल, डिसरिस्पेक्ट शो करना, व्हेन यू शो व्हेन यू क्रिटिसाइज समबडी, व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट समबडी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दैट मींस आप अपमान कर रहे हो किसी भी इंसान का। डिसमेंटलमेंट, डिसमेंटलमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग अपार्ट, अ पीस ऑफ मशीनरी, छोटे 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 टुकड़े करना। कंचन मैम आई एम वेरी सॉरी, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को टाइम आउट का इश्यू हो रहा है ना, तो प्लीज़ इग्नोर करिए, ये YouTube की तरफ से, ये हमारी तरफ से नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को डेफिनेटली बता देते इसका सोल्यूशन। आप नहीं समझ रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे कमेंट करता है कि मैम हमें टाइम आउट हो रहा है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स से कि अगर जिनको भी टाइम आउट का इशू हो रहा है तो प्लीज़ 2 मिनट बाद फिर से कमेंट करें, ठीक है, कहीं जाए नहीं सेशन को छोड़ करके। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए यहां से हम कितने मार्क्स, अभी तक हमने टोटल 9 मार्क्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखते हैं हम स्पेसिट से, हमें स्पेरा से हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं और वर्ड्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ये क्लियर है ना। चलिए देखिए, पहला वर्ड आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलिब्रेटेड क्लोजर। कैलिब्रेट का मतलब होता है समझते हैं, समझना किसी भी चीज को, क्लोजर मतलब बंद करना। With no short road to universal vaccination, कोई भी short road नहीं है, कोई भी short trick नहीं है कि आप universal vaccination करा दो। Universal vaccination का मतलब है कि पूरे देश में पूरे universally आप vaccination करा दो, इसकी कोई short trick नहीं है। Lockdowns should be precise and painless. Lockdown क्या हो सकता है, accurate हो सकता है, precise का मतलब होता है accurate और painless हो सकता है। आपको पता है क्यों लॉकडाउन प्रिसाइज और पेनलेस की यहाँ पर बात करी गई? देखिए, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी डेली इनकम होती है, जो लोग डेली कमाते खाते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, ये है ना। तो लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस, ठीक। पेनलेस हो सकता है, पेनलेस का यहाँ पर मतलब है ये एक्यूरेट होना चाहिए। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, शुड बी मतलब होता है नेसेसरी पॉइंट। लॉकडाउन जो है वो प्रिसाइज और पेनलेस होना चाहिए। आप लॉकडाउन लगा रहे हो, मानते हैं हम, ठीक है लगाओ आप, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए वो कैसा होना चाहिए, पेनलेस होना चाहिए। कि जितने भी ऐसे हैं जो डेली इनकम वाले हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होगी, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा पहले बनाइए। और ऐसा नहीं कि आपने उठा करके अब भी आप आए और आपने आकर के कह दिया हम लॉकडाउन लगा रहे हैं आपसे, नहीं, आप पहले से उसको प्लानिंग करिए, पहले से लोगों को इंटीमेट करिए 10 से 15 दिन पहले, जिससे कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं या जितने भी अदर पीपल हैं वो अपने लिए इंतजाम करें चीजों का, है ना। पॉइंट समझ में आया, आगे देखिए। अच्छा ओके ठीक है, बढ़ा दे रहे हैं वॉल्यूम, तुम लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, ठीक है चलो बढ़ा दे रहे हैं। सिवरल स्टेट हैव एक्सटेंड द कोरोना वायरस लॉकडाउन बियॉन्ड 31 मई। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ने, इवन यूपी ने भी, और यूपी के बाहर आप में से जितने भी स्टेट्स के आप लोग हैं, सब लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि सबके स्टेट में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सारे के सारे स्टूडेंट्स कि सबके स्टेट्स में 31 मई तक का लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाए है, जल्दी से प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
आगे देखो, यस एग्जैक्टली पूजा मैम, यूट्यूब की सभी क्लासेस पे समय हो रहा है, सिर्फ ये मेरी क्लास का इश्यू नहीं है बेटा, ये अगर सिर्फ मेरी क्लास का इश्यू होता ना तो आप ट्रस्ट करो मैं मतलब कंपनी की टीम के ऊपर एकदम मतलब धावा बोल देती यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये मेरी क्लास का इशू नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से इशू है, सो आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दिस, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि डोंट लेव दिस सेशन, आप सेशन को मत छोड़िए, सेशन को देखिए और 2 से 3 मिनट बाद फिर से कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो 31 मई तक कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन को बहुत सारे स्टेट्स में बढ़ा दिया गया है, सब लोग जानते हैं। अब आगे देखिए, व्हाइल फ्रेश केसेस अपीयर्स टू शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड, एक हैप्पीनेस, एक अच्छी बात यहाँ पर बताई एग्जामिनर ने कि जो फ्रेश केसेस है वो डाउनवर्ड्स दिखा रहे हैं, मतलब वो कम हो रहे हैं लगातार, बट इंडियाज कोविड 19 बैटल लैक्स स्ट्रेटजी फोकस, लेकिन इंडिया की कोविड 19 को लेकर के जो बैटल कोविड 19 से लड़ने की जो स्ट्रेटजी है ना वो बड़ी ही कम है, मतलब उसकी स्ट्रेटजी में कमी है, इंडिया की जो कोविड 19 से लड़ने की जो बैटल है, जो लड़ाई है, जो तरीके हैं, वो स्ट्रेटजी बहुत ही लैक है, वो स्ट्रेटजी बहुत ही कम फोकस्ड है। Although a cessation of activity has been imposed, और बहुत सी ऐसी हैं जो बैड सिचुएशंस को क्या कर दिया गया है, बहुत सी सेशंस ऑफ एक्टिविटीज को इम्पोज्ड कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि चीजों को लगातार रोकने के लिए, सेशंस मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज को स्टॉप करना, है ना, कि एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए हमने क्या कर दिया है, लॉकडाउन लगा दिया, इम्पोज्ड कर दिया लोगों के ऊपर। देयर इज नॉट मच क्लैरिटी ऑन फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम वायरस वेरिएंट्स, और यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि हम कैसे फ्यूचर में आगे इस वेरिएंट से लड़ेंगे, इस वायरस वेरिएंट से लड़ेंगे। जैसा कि जब फर्स्ट वेव आया था तो लोगों को लगा था कि ये थोड़े समय का है और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया था, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर के हो, चाहे वो मेडिसिन को लेकर के था, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, तब बहुत से लोग सीरियस नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में हमने क्यों नहीं फर्स्ट वाले वेव से कुछ सीखा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट वाले वेव से हमने क्यों कुछ नहीं सीखा, हम सेकेंड वेव में भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले वेव में खड़े थे, क्यों भाई, है ना। तो देर इज नॉट मच क्लैरिटी, कोई भी क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर के थ्रेट्स को लेकर के वायरस वेरियंट्स को। नोटेबली B.1.617 that now has 3 subtypes, ये जो variant है इनके 3 type हो चुके हैं, 3 type है, and dominant one जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला है वो B.1.617.2 है, is estimated to be 50% more transmissible than another variant of concerns B.1.1.7, मतलब कितने हमारे पास वेरिएंट्स हैं, B.1.617 वेरिएंट्स में से 3 सब टाइप वेरिएंट्स निकल गए हैं जिसमें से सबसे ज्यादा एस्टिमेटेड और सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल और 50% जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है बढ़ने के वो है B.1.617.2 वेरिएंट, है ना। तो ये एक कंसर्न का मैटर है कि भाई ऐसा ना हो कि हम अभी सेकेंड वेव से तो लड़ रहे हैं उसके बाद हमारी थर्ड वेव भी चालू हो जाए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए, नीदर इज देयर अ रोड मैप फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी अहेड, कोई भी रोड मैप ना तो कोई भी रोड मैप है किसके लिए, वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए, कि आगे वैक्सीन अवेलेबिलिटी लोगों को कैसे कराई जाएगी, इसका कोई भी रोड मैप नहीं है, कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। विद डायरेक्ट इम्पोर्ट्स बाय स्टेट्स, जो डायरेक्ट इम्पोर्ट्स किए जा रहे हैं किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, हिटिंग अ रोड ब्लॉक, जो हिट करते हैं रोड ब्लॉक को, एंड ड्यू अश्योरेंस ऑफ अ डोमेस्टिक रैंप अप फ्रॉम जुलाई, सब्सटेनिंग फॉर फ्री कमिटमेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत सारे कमिटमेंट्स किए जा रहे हैं, है ना, अश्योरेंस दिया जा रहा है, डोमेस्टिक रैंप अप किया जा रहा है कि जुलाई तक, फ्रॉम जुलाई, जुलाई से हो जाएंगी ये सारी चीजें, है ना। तो ये क्या है, ये अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबिलिटी, हमें अभी नहीं पता कि आगे हम कैसे करने वाले हैं, आगे हमें कुछ नहीं मालूम है, कोई रोड मैप नहीं, ना तो कोई रोड मैप है वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर के कि आगे किस तरीके से करने वाले हैं, सारी चीजें जो इम्पोर्ट्स हो रही है, जो स्टेट्स के द्वारा हमें मिल रही हैं, स्टेट्स के द्वारा हमें जो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है वो सब क्या कर रही है, एक हिटिंग अ रोड लॉक, वो रोड लॉक कर रही है ना। आगे देखते हैं, सम स्टेट्स आर अनवाइजली टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल, अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी ही चालाकी, अनवाइजली मतलब भी बहुत ही, मतलब ये बड़ा बेवकूफी का काम किया कि उन्होंने क्या किया, फुट ऑफ कर लिया टेस्टिंग पेडल से, उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया कि उन्होंने कहा यार ठीक है कोरोना वायरस इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है जितना है चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं चीजों को ओपन कर देते हैं, लॉकडाउन ओपन कर देते हैं, हम लॉकडाउन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मेक इट दैट मच हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा
हार्ड कर रहा है सिचुएशन को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशंस को लेकर के, कि भाई हम जितना ज्यादा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सिचुएशंस हार्ड लग रही हैं, है ना? हाँ या ना? वेरी गुड. आगे देखें. अनक्लियर. यस एग्जैक्टली मैम. अ मियास्मा ऑफ कंफ्यूजन. बहुत सारा बैक कंफ्यूजन हैज कम टू प्रिवेंट कोविड 19 पॉलिसी. बहुत सारा कंफ्यूजन है कोविड 19 की पॉलिसी को लेकर के, कि उसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए. वेयर द सेंटर नो लॉन्गर एज इन एपेटाइट फॉर लीडरशिप. और जहां पर जो सेंटर है वो किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं कर रहा है. सेंटर सीधे सीधे कह रहा है भैया ऐसा है, तुम लोग अपना अपना देखो, है ना? आप लोगों ने देखा है कि सेंटर ने पहले भी ये चीज कही थी कि आप लोग अपना अपना देख लो, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, है ना? हम तो कुछ नहीं जानते. कई बार सेंटर ने भी ये बात बोली. एपेटाइटिंग का मतलब होता है वन एपेटाइट. हाँ ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ ठीक है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो समझ में आ रहा है पॉइंट? ये सुनो. तो यहाँ पर देखो ओवरऑल स्टोरी में यही चीजें चल रही है कि भाई स्टेट्स जो है वेयर द सेंटर नो लॉन्गर, जहाँ पे कोई भी सेंटर जो है वो आगे तक नहीं देख रहा. लीडरशिप देखिए, इवन इट मींस शनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशंस एंड इट ओनली टूल अवेलेबल विद द स्टेट्स इज लॉकडाउन. आप क्या कर रहे हो कि आपके पास कोई भी सेक्शन नहीं है, आपके पास कोई मजबूत पैनल नहीं है कि आप इस कोविड को कैसे रोकोगे. आप क्या कर रहे हो, आपने एक हथियार बना लिया, आपके पास एक टूल अवेलेबल हो गया है कि हम एक काम करते हैं, स्टेट्स को लॉकडाउन पर डाल देते हैं, है ना? आप लोगों ने सीधा, मतलब यहाँ पर ऑथर जो है वो स्टेट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है. इस पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने स्टेट्स को क्या किया, क्रिटिकल सिचुएशन का टोन लिया है. यहाँ पर उसने इस पूरे पैसेज में क्रिटिकल टोन अपनाई है ऑथर ने. अभी ऑथर पहली वाली लाइन, जब हमने पैसेज शुरू किया था यहाँ पहली वाली लाइन में, तो वो सजेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है. वो ये कह रहा है तुम्हारे पास कोई भी वो नहीं है, जितने भी स्टेट्स हैं सेंटर्स हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हमें कोविड से कैसे लड़ना है. वो ये जानते हैं कि काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक टूल किट है, एक टूल अवेलेबल है, एक काम करते हैं विद स्टेट इज अ लॉकडाउन, कि स्टेट्स को लॉकडाउन लगा दिया जाए. तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, है ना? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि भाई अगर आपके देश में कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है तो आपने उठा करके लॉकडाउन लगा दिया. नहीं, ये कोई सोल्यूशन किसी भी तरीके का नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. बट जैसा कि अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है, तमिलनाडु ने किया. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन हैज पॉइंटेड आउट. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन ने एक पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि लॉकडाउन डज नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, कि लॉकडाउन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी तरीके के सॉल्यूशन को, एंड कम्स विद इट्स ओन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट. और बल्कि अगर आप लॉकडाउन लगा दोगे तो हमारी इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स होंगे, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा डाउन हो जाएगी. दैट हिट द वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट. ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा, पुअर क्लास लोगों को हार्डेस्ट करेगा, मतलब जो जो लोग डेली कमाते खाते हैं, है ना? जैसे जितने भी रिक्शे वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, जितने भी दिहाड़ी मजदूर हो गए, तो वो सब क्या है, वो सब लोग तो डेली कमाने खाने वाले हैं. तो यहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन यही पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है, कि तुम्हारे देश में कोविड, तुम्हारे स्टेट में कोविड के केसेस बढ़े हो, तुमने उठा करके क्या कर दिया, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया. ये दैट इज नॉट अ सोल्यूशन गाइज, है ना? आप लोग भी इस बात से सहमत हो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं, जरा मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस पॉइंट से पूरी तरीके से सहमत हैं कि देश में लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है. जल्दी से मुझे एक बार बताइए, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे. देखो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हो तो वो हमारी इकोनॉमी को साइड इफेक्ट करेगा. भाई सारे बिजनेसेस बंद रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेस टीम्स इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, है ना? डेली खाने वाले कैसे खाएंगे? अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक रिक्शा चला रहा है, तो जब जब लोग निकलेंगे ही नहीं, तो वो रिक्शे वाला रिक्शा कैसे चलाएगा, वो कैसे अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आप को पालेगा, है ना? तो ये क्या करेगा कि वर्किंग क्लास पुअर को हार्डेस्ट सिचुएशन पर डालेगा, है ना? The time has come for a pandemic policy. अब ये time आ चुका है कि pandemic policy को reset किया जाए दोबारा से, that reflects scientific insights, encourage safe public behavior. और जो encourage करेगा safe public behavior को through persuasive communication. आप क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर और ऑथर ने यहाँ पर सजेशन दिया है कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम pandemic policy को दोबारा से reset करें. हम ये नहीं करें, हमेशा हम एक पेंडेमिक पॉलिसी, मतलब फर्स्ट वेव में भी हमने ये किया था, लॉकडाउन लगा दिया. सेकंड वेव में भी हम क्या कर रहे हैं, हमने लॉकडाउन लगा दिया. अभी तो 31 मई तक का लॉकडाउन है, हमें ये नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी को रीसेट करना चाहिए और उसके रिफ्लेक्स पर जाना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए सेफ पब्लिक बिहेवियर को पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के द्वारा. मतलब
ऐसा नहीं है कि आप में से, तो मतलब जितने भी बड़े बड़े हमारे जैसे पीएम जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने आकर के अपने स्टेट से बात नहीं करी, उन्होंने सीधे न्यूज के जरिए ये बता दिया कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। दैट इज वेरी बैड। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हमें उसी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, हमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर है या हमारे जो भी अथॉरिटिव पर्सन है उनको आकर के सामने से कम्युनिकेशन करना चाहिए और मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और इम्पोर्टेंटली इनकॉर्पोरेट्स मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ स्केल और मेडिकल इंटरवेंशन स्केल्स को बढ़ाना चाहिए। मतलब जितने भी अथॉरिटिव पर्सन है वो स्टेट्स के से बातें करें, स्टेट अपनी पब्लिक से बात करें और कहे कि हाँ देखो हम ऐसा है, हम प्लान करके लॉकडाउन लगाओ कि हम इस फला डेट से लॉकडाउन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आज से लॉकडाउन लग जाएगा, कि एक हफ्ते बाद इस डेट से लॉकडाउन लगेगा। आप कम्युनिकेशन करिए, आप मॉनिटरिंग करिए कि कहाँ कहाँ स्टेट्स में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ रही है, किन किन लोगों को, किस किस स्टेट्स को सबसे ज्यादा नीड है। आपको इम्पोर्टेंटली ये देखना चाहिए कि इनकॉर्पोरेट मेडिकल इंटरवेंशन उन लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं, मेडिकली अश्योरेंस उनको देना चाहिए, है ना। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। द मीडिया टर्म आउटलुक डज नॉट पॉइंट टू अ स्टिप राइज इन वैक्सीनेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर। द मीडियम टर्म आउटलुक, जो सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ेगा वो किस पे, मीडियम टर्म आउट मीडियम वर्ग पर है। डज नॉट पॉइंट आउट अ स्टिप राइज इन वैक्सीनेशन बाय एंड ऑफ द ईयर टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि हमने अभी मीडियम टर्म पर हम आ चुके हैं, मतलब साल के एकदम मिडिल में आ चुके हैं, और अभी तक हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द पीपल को कवर नहीं किया हुआ, एंड ऑफ द ईयर टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब साल के बीच में आने के बाद डज नॉट पॉइंट, हम डज नॉट पॉइंट नहीं कर सकते स्टिप राइज को कि अचानक से राइज हो जाए वैक्सीनेशन और हम साल के अंत तक बहुत सारी पॉपुलेशन को लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। मेकिंग इट इम्पेरेटिव फॉर स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल फ्यूचर सर्ज। ये चीजें स्टेट्स को सोचनी चाहिए कि वो कैसे प्रिपेयर करेगी पोटेंशियल फ्यूचर सर्ज को, फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को। सर्च मतलब होता है अचानक से इंक्रीज होना किसी भी चीज का, कि अचानक से फ्यूचर में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या इंक्रीज हो जाती है, तो स्टेट्स को प्रिपेयर होना चाहिए पोटेंशियली कि उसको उस चीज से, उस सिचुएशन से कैसे लड़ना है, है ना। ऑल द क्लेम्स हैव बीन मेड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 3 वैक्सीन बिकमिंग अवेलेबल बिटवीन अगस्त दिसंबर, और साथ ही क्लेम किया गया है कि एक बहुत बड़ा लार्ज वॉल्यूम आएगा 3 वैक्सीन्स का अपकमिंग टाइमिंग पे, अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में अवेलेबल कराई जाएंगी। मतलब जहां हमारे देश में इस समय हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं ना, कल ही परसों हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ये बोला था कि वैक्सीन जो हमारे देश में वो कम हो रही है शायद, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अभी ना आने वाले समय में, अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में आने वाले समय में बहुत सारी 3 वैक्सीन्स ऐसी होंगी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीन हमारे देश की भी होंगी और अदर देश से भी हमें 3 वैक्सीन्स मिलेंगी जो अवेलेबल कराई जाएंगी अपकमिंग अगस्त एंड दिसंबर के मंथ पर। क्लियर। आगे देखते हैं, द रोड टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज गोइंग टू बी लॉन्ग। अब ये जो इम्यूनिटी वाला चल रहा है कि भाई हम लोगों को इम्यून कर देंगे, लोगों को हम इम्यूनाइजेशन कर देंगे, हम लोगों को इम्यूनिटी दे देंगे, वो बड़ा ही लंबा दिख रहा है। अभी ऐसा नहीं कि हम हलाल फिलहाल में हम पार कर ले जाएंगे ऐसा प्रोसेस, नहीं। द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फाइंडिंग इन ब्रिटेन दैट इट टेक्स 2 डोसेस ऑफ कोविड शील्ड फॉर 60% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट दैट इज आल्सो फाउंड इन इंडिया। अब ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा किसने कहा, ब्रिटेन ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक 2 डोज ले ली है कोविड शील्ड की, उनके 60% वो केवल अभी प्रोटेक्शन में है अगेंस्ट कोरोना वायरस के, इस डोमिनेंट वायरस से लड़ने के लिए वो 60% अभी सिक्योर है। मतलब अभी भी 40% ऐसा है कि जहां पर सिक्योरिटी नहीं है। आप हम लोगों ने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर हमने पढ़ा था कि 2 डोजेस लेने के बाद भी लोग क्या हो रहे हैं, कोविड के शिकार हो रहे हैं, है ना, याद है ना, 2 डोजेस लेने के बाद भी कोविड के शिकार हो रहे हैं लोग। हमने ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पर कही जा रही है कि 2 डोजेस लेने के बाद कोविशील्ड की लोग केवल और केवल 60% तक सिक्योर हैं और उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं डोमिनेंट वायरस के, लेकिन ये जो वायरस जो फैला हुआ है इंडिया में, जो वायरस हमें मिला है, द सेकेंड डोज देयरफॉर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर 8 वीक्स। सेकेंड डोज को हमें 8 हफ्तों के बाद लगाना चाहिए, मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में हमें कितने वीक्स का डिफरेंस रखना चाहिए, राइटर कह रहा है 8 वीक्स का राइटर रखना चाहिए, ना कि 12 से 16 दिन का। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, आप लोगों को याद होगा, हमने आपको बोला था
कि मेरे मम्मी पापा जब लेने गए थे डोज, तो उनको बोला गया था कि आप 15 दिन के अंदर वापस आइएगा। जब वो 15 डेज पे गए तो उनको बोला गया नहीं 80 डेज पर अब आइएगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए कि किसी को आप बोल रहे हो कि 12 दिन बाद आ जाओ, किसी को आप बोल रहे हो 16 दिन बाद आ जाओ, ऐसा मत करो। आप 8 हफ्ते का एक पूरा प्रॉपर टाइम दो। वॉट स्टेट कैन डू इमिडिएटली इज टू अराइव टू एट अ गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल। अब स्टेट यहाँ पर क्या कर सकता है, इमीडिएट अराइव पहुंच सकता है एक गुड अच्छे लॉकडाउन प्रोटोकॉल पर, स्पेयरिंग पीपल फ्रीक्वेंट शॉक, कि लोगों को अचानक से शॉक ना दे, है ना, कि स्टेट ने कह दिया आज रात से, या मान लीजिए अभी शाम सुबह का 8 बजे हमने कह दिया 9 बजे से हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, ऐसा मत करो, लोग शॉक्ड हो जाएंगे। खास तौर से वो गरीब वर्ग शॉक्ड हो जाएगा जो डेली कमाने खाने वाला है। आप पहले से लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स को लोगों को बताइए और उनको सिचुएशंस को समझाइए, है ना। तमिलनाडु रिसेंटली मूव टू इंटेंसिफाई द लॉकडाउन एंड इनएक्सप्लिकेबली अलाउ इवन ज्वेलरी एंड क्लोथ शॉपिंग टू ओपन फॉर अ डे बिफोर दैट लेड टू मैसिव क्राउडिंग ट्रिगर्ड बाय इंड्यूस्ड डिमांड। अब देखो तमिलनाडु ने बेवकूफी क्या करी, ये बड़ा ही बेवकूफी वाला स्टेप था कि तमिलनाडु ने अभी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अलाउ कर दिया सभी ज्वेलरी शॉप्स को और कपड़ों की दुकानों को, कि जितने भी ज्वेलरी शॉप्स हैं और जितनी भी कपड़े की दुकानें हैं वो एक दिन के लिए खोली जा रही हैं। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मैसिव क्राउड हो गया, लोगों ने कहा अच्छा एक दिन के लिए ज्वेलरी की शॉप खुली है, एक दिन के लिए क्लोथ्स की शॉप्स खुली है। तो जैसे अभी ईद पड़ी थी, है ना, बहुत से फेस्टिवल्स ऐसे पड़ जाते हैं, तो मतलब लोगों ने कहा अरे वाह 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 वाह, तो हम एक काम करते हैं, लोग टूट पड़े दुकानों पर, क्राउडिंग हो गई बहुत ज्यादा। तो वो क्या हुआ, एक बेवकूफी वाला स्टेप हो गया ना, कि भाई अभी तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, घर में जितने कपड़े उतना पहन के काम चला लो ना यार, जितने भी आपस में शेयरिंग कर लो, फैमिली मेंबर ही तो हो, और इतने कम कपड़े किसी के पास होंगे नहीं कि जो लॉकडाउन में अपनी सेफ्टी को ध्यान न रखा जाए। तो ये बड़ा ही एक फुल, मतलब आप कह सकते हो फुलिश स्टेप था तमिलनाडु की तरफ से, ठीक है। Clearly, measures to shut down everyday activity led to fear and panic and leave less affluent sections. The disabled migrant workers and many singles individuals unable to cope. आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अचानक से शट डाउन कर देते हो एवरीडे एक्टिविटी को, जो डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर आप उनको अचानक से शट डाउन कर देते हो तो वो क्या करेगा, लोगों में डर बना देगा और पैनिक हो जाएंगे लोग, है ना। मान लीजिए मैं डेली ऑफिस जा रही हूँ, डेली मैं ऑफिस जाती थी, अब अचानक से आपने कहते नहीं जाना है, अचानक से मुझे कह दिया, मतलब मुझे मेंटली आपने रेडी नहीं किया, आपने मुझे अचानक से इस न्यूज को दिया, तो उससे क्या हुआ, मुझे मैं डर गई, मैं पैनिक हो गई, भाई मेरी जिसकी रोजी रोटी, जिसके पास पूरा बैंक बैलेंस नहीं है, जिसने अपने पास कुछ पैसे सिक्योर करके नहीं रखे हैं, तो वो इंसान तो अचानक से इस तरीके का अगर आप शटडाउन कर देंगे तो वो तो फियर में, डर में आ जाएगा और पैनिक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशंस और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो माइग्रेंट वर्कर्स मेनी सिंगल इंडिविजुअल्स अनेबल टू कॉप, वो अनेबल हो जाएंगे अपनी सिचुएशंस को कंप्लीट करने के लिए। हमने जैसा कि फर्स्ट वेव में देखा था, आई होप आप लोगों को वो बहुत हमारे देश का बुरा फेस था जिसको शायद भूल पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। इवन मैं अभी बोल भी रही हूँ तो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोलते बोलते। हम लोगों ने फर्स्ट वेव में देखा था कि अचानक से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज से लॉकडाउन लगेगा, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, जितने भी लोग दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब बहुत परेशान हुए। गवर्नमेंट ने बसेस रोक दी, रेलवे रोक दिया, गवर्नमेंट ने ऑटो टेम्पो सब चीज बंद कर दी, मीलों मीलों लोग दूर चले, मीलों मीलों लोग चले, कितने लोगों की जाने तो कोविड से नहीं जा करके इन सब सिचुएशन से गई। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अचानक से आप किसी को कोई भी अटैक मत दो कि सामने वाला परेशान हो जाए कि यार मैं खाऊंगा क्या, है ना। तो यहाँ पर एक सजेशन के बतौर पे बताया गया, ठीक है। Quarterly, that's good. The golden mean would be to shut all unessential shops. यहाँ पर एक सबसे, अब ऑथर क्या कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि एक गोल्डन मीन ये, एक सच्चाई ये करते हैं कि नॉन एसेंशियल शॉप को हम बंद कर देते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु ने किया कि ज्वेलरी और कपड़ों की दुकानें खोल दी, नॉन एसेंशियल था, इंपॉर्टेंट नहीं था वो खोलना, अगर आप उसको भी 10 महीने भी बंद रखोगे तो लोग का काम चलेगा, ऐसी शॉप्स को आप बंद रखो। इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन, आप इनकरेज करो रिमोट ट्रांजेक्शन को, ओपन स्ट्रीट सेल्स को, है ना, कि वो ओपन ओपन हो सके स्ट्रीट सेल्स, जितनी भी दुकानें छोटी छोटी सी लगती हैं जैसे सब्जी भाजी की दुकानें हो गई, होम डिलीवरीज को आप एक्टिविटी करो, एक्टिव मॉनिटरिंग कंपाइल्स को करो विद COVID-19 प्रोटोकॉल्स के तहत जाकर के पब्लिक प्लेसेस पर, और वैक्सीनेट करो वर्कर्स को, सर्विसेज को, है ना, जो लोग सर्विस वर्कर्स एंड सर्विसेज, जो लोग सर्विसेज करते हैं, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो लोग घरों में जाकर के काम करते हैं लोगों के, उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखो कि आप उन लोगों को वैक्सीनेट करो,
है ना। अब यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि आप नॉन एसेंशियल शॉप्स को बंद कर दो, ठीक है, जितनी भी रिमोट ट्रांजेक्शन है उनको आप अलाउमेंट दो, जितनी भी स्ट्रीट की सेल्स है उनको आप अलाउमेंट दो, होम डिलीवरी को आप बोलो कि होम डिलीवरी पर बढ़ावा दिया जाए, लोगों को ध्यान दो कि वो COVID-19 के प्रोटोकॉल्स पब्लिक प्लेस में फॉलो करें, और उन लोगों को जितने भी वैक्सीनेट वर्कर्स सर्विस में आते हैं उनको वैक्सीनेशन करिए, डोमेस्टिक वर्कर्स को करिए प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो दूसरों के घरों में जा रहे हैं, फिर वो अपने घर में भी वापस आ रहे हैं, तो वो लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करिए आप प्रायोरिटी बेसिस पर उनको वैक्सीनेट करिए। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी सेंट्रल फीचर्स ऑफ लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन कर रहे हो कम्प्लीट तो आपको फ्री खाना राशन देना पड़ेगा लोगों को, उन लोगों को जो लोग डेली बेसिस पर कमाते खाते हैं, जिनका लॉकडाउन की वजह से जिनकी कमाई बंद हो गई है, लॉकडाउन की वजह से जो खा नहीं पा रहे हैं उनको, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन थी हमारे देश के लिए, राइट। अब आगे हम आप लोगों के साथ इसी में बढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ में। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि आज का एडिटोरियल कैसा था? आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट और रॉन्ग? यस और नो एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, यस और नो। ओके, चलिए अब देखिए, अब आपके लिए हम कल जो हमने आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया था उससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। जरा इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक, व्हाट इज अ टूलकिट एज डिफाइंड इन द पैसेज। हमने कल आप लोगों को एक पैसेज पढ़ाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने कुछ बातें इंटरनली बोली थी, कांग्रेस ने कुछ बातें इंटरनली बोली थी और उस इंटरनली बातों को बीजेपी ने ट्विटर पर डाल दिया, और जब बीजेपी ने ट्विटर पर डाला तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को ऐड करते हुए और टूलकिट हैशटैग करते हुए उन्होंने डाला था। तो वो टूलकिट जो है वो क्या डिफाइन करता है इन द पैसेज, जरा मुझे जल्दी से प्लीज बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर। What is the right answer? The right answer is A. Toolkit are means to be about coordinating future actions. क्योंकि toolkit का use होता है future के actions को बताने का, social media पर क्या होने वाले, ना कि वो past events को बताने का काम करता है, past cataloging को बताने का काम करता है। ये हमने कल बहुत clearly पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द कांग्रेस डू आफ्टर बीजेपी सर्कुलेट द टूलकिट ऑन ट्विटर। कांग्रेस ने क्या किया बीजेपी ने जब सर्कुलेट कर दिया उसके टूलकिट्स को ट्विटर के ऊपर। तो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए भी उन्होंने किया था कि कांग्रेस ने फाइल करी थी पुलिस कंप्लेन बीजेपी के खिलाफ, उनके फंक्शनरीज के खिलाफ, है ना, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड भी हमने पढ़ा था, इट हैज आल्सो रिटन टू ट्विटर, उन्होंने ट्विटर को ये भी कहा था कि इस तरीके के अकाउंट्स को आप सस्पेंड कर दीजिए हमेशा के लिए जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स को फैलाते हैं, याद है ना आप लोगों को? ये दोनों पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो अब आप लोगों को डेली यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आज जो मैंने पैसेज पढ़ाया है इसका क्वेश्चन मैं कल आप लोगों से पूछूंगी, तो उससे क्या होगा, रिविजन भी होगा और हम नए क्वेश्चन पर भी जाएंगे। बात क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who is the current administrator of Union Territory of Lakshadweep? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। Who is the current administrator of Union Territory of Lakshadweep? लक्षद्वीप के Union Territory के current administrator कौन है? जल्दी से मुझे इसका आप सभी लोगों से कमेंट में आंसर चाहिए। Everybody, let me know the right answer. जल्दी से मुझे राइट आंसर दीजिए। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी से बताएंगे हु इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के कौन है? द राइट आंसर इज प्रफुल कोड़ा पटेल, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द होमवर्क सेक्शन। कल हमने आपको ये तीन वर्ड्स दिए थे, ये तीन होमवर्क दिए थे, आइए जरा जानते हैं। टू बी स्नोड अंडर
टू बी वेरी बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, टू गेट द सैक मतलब टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, एंड थर्ड था टू कुक द बुक्स मतलब टू मॉडिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों होमवर्क का रिविजन हमने आपको करा दिया है। नाउ मूव टू द अपकमिंग होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से दीजिए सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका आज का, लॉक स्टॉक एंड बैरल, इस idiom का मीनिंग क्या होता है। सेकेंड है आपके पास मेक हाई वाइल द सन शाइन्स। थर्ड है आपके पास टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस। इन तीनों idiom phrase के मुझे मीनिंग आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। ध्यान रखिएगा Unacademy लर्निंग ऐप पर आप लोगों का वोकैबुलरी का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ये बैच शाम को 7 बजे चलता है। आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से इसके सब्सक्रिप्शन को ले लेंगे। आप Unacademy लर्निंग ऐप पर जैसे ही गौरी भट्ट टाइप करेंगे वैसे ही आपको मेरी प्रोफाइल ओपन होगी Unacademy की। वहां पर आपको हम पूरी टीम का पूरा एक बैच मिलेगा सफलता बैच के नाम से। इस बैच का रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस बैच का रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप लोग। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, Gauri10 कोड यूज करना है। कोड याद रखिएगा Gauri10, ठीक है। Gauri10 कोड को यूज करके आप आराम से अपने सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ Unacademy लर्निंग ऐप पर SSC सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत एक मेगा ऑफर चल रहा है गाइज। इसका कल लास्ट डेट था लेकिन अभी आप ट्राई कर सकते हो, मे बी आपको मिल जाए। तो 24 मंथ्स पर 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को Unacademy लर्निंग ऐप की तरफ से फ्री दिया जा रहा है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है ना ये दोबारा नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइज। तो जितनी जल्दी हो सकता है Unacademy के सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। अगर आप लोग बैंकिंग, SSC, PCS, UPSC, CATMAT, डिफेंस एग्जाम्स, रेलवे, CBSE या फिर Unacademy के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो Gauri10 कोड का यूज करिए और सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। सीधे जाइए फीस पर, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे वहां पर जाकर के आपको कोड यूज करना है। बट याद रखिएगा फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप सीधा Gauri10 कोड पर जाइए, सीधा अप्लाई करिए Gauri10 कोड और सारी फैसिलिटीज को आराम से गेन करिए। क्लियर? चलिए आज हम आपको 10 बजे नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नरेशन हम आपको पढ़ाएंगे तो नरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से 10 AM पर, ठीक आधे घंटे बाद। तब तक हमसे मिलना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एवरीवन। थैंक यू गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 10 AM ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल। थैंक यू एवरीबडी।